हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट हब 2.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं इनवर्स मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का प्रतिलोम। जैसा कि एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, ए की घात माइनस वन, इसे क्या कहते हैं? इनवर्स मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स का प्रतिलोम कहते हैं। हमने मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ लिए हैं, हमने सारणिक चैप्टर पढ़ लिए हैं, अब हमारा 3 नंबर टॉपिक आता है इनवर्स मैट्रिक्स। इससे 1 या 2 क्वेश्चन पक्के बनते हैं। अगर बड़ा क्वेश्चन बनता है 3 × 3 की घात या 3 × 3 की मैट्रिक्स का प्रतिलोम हमें ज्ञात करना हो तो बड़ा क्वेश्चन बनता है, कई बार 15 नंबर का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो बहुत ही अच्छी क्लास रहने वाली है, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। इसके हमने 3 क्लासें बनाई है, 3 क्लासें इसकी लेंगे। आज इसकी पहली क्लास है, दूसरी और तीसरी क्लास होगी। तीनों क्लासेस में जितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे टाइप अपन उठाएंगे। तो पीछे वाली क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। अगर आप टारगेट बेंच 2025 से जुड़ना चाहते हैं तो टारगेट बेंच 2025 से जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करें, टारगेट हब एप्लीकेशन है, इस प्रकार का आइकन आपको मिलेगा। मात्र 51 रुपये में आप संपूर्ण कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको क्लास की PDF मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको ऑल क्लासेस की PDF मिल जाएगी वहाँ पे। PDF से ये बेनिफिट रहता है कि जब एग्ज़ाम होता है उस टाइम अपन वीडियो नहीं देख पाते ज़्यादातर, तो उस टाइम अगर हमारे पास एप्लीकेशन है उस पर सारी की सारी PDF है तो अपन जल्दी क्या है, पूरा 1-2 बार उसका रिवीजन कर लेते हैं PDF के थ्रू, क्लास की PDF। जैसे मैं क्वेश्चन करवाता ना, वो का वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। PDF साथ साथ में बनाते चल रहे हैं, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो प्ले स्टोर से टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और इससे जुड़ सकते हैं। मात्र 2 दिन का खर्चा, 1 दिन का खर्चा है आपका, जेब खर्चा है, इसकी सहायता से आप जुड़ सकते हैं। क्लास को लाइक और शेयर करें, पूरा का पूरा सिलेबस YouTube पे फ्री रहने वाला है, कोई इश्यू नहीं है, आप YouTube के साथ जुड़े रहें। व्युत्क्रम अवयव है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इनवर्स। जैसे कोई मैट्रिक्स होती है हमारे पास, चर्चा कर लेते हैं थोड़ा, कोई मैट्रिक्स A है, जैसे हमने लिख दिया 1, 2, 3, 4, इस मैट्रिक्स को इसमें कन्वर्ट करना मैट्रिक्स का प्रतिलोम कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? प्रतिलोम मैट्रिक्स, प्रतिलोम मैट्रिक्स, या अपन कह सकते हैं व्युत्क्रम अवयव है इनवर्स मैट्रिक्स। ये कैसे आएगा इसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। इससे पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा, ये निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट का मान पता होना चाहिए, एडजॉइंट का मान पता होना चाहिए। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट क्या होता है? सहखंड होता है। क्या होता है? सहखंड होता है। तो ये निकालना जरूरी है इसके लिए, ये हमें निकालना आना चाहिए, ये हमें निकालना आना चाहिए। इसके बाद में ये प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, पूरी की पूरी प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले आता है अव्युत्क्रमणीय अव्यय, सिंगुलर मैट्रिक्स। एक वर्ग अव्यय ए अव्युत्क्रमणीय अव्यय कहलाता है यदि सारणिक का मान 0 हो। यदि सारणिक का मान, एक साथ में चला गया क्या? अरे यार रुको, ये देखो पहले, हाँ ये देखो, 2 पे 7 में चले गए, आगे वाला चला गया। पहले ये पढ़ना है व्युत्क्रमणीय अव्यय नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक वर्ग अव्यय ए व्युत्क्रमणीय या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है यदि डिटर्मिनेंट का मान 0 हो। जैसे कोई मैट्रिक्स लिया आपने, ए आपने ले लिया 4, 2, 2, 1, इसको आपने पहले क्या बनाया, डिटर्मिनेंट बनाया 4, 2, 2, 1। इसका हल चेक करेंगे, मैं यहाँ पे संख्या चेंज कर देता हूँ, ये
यहाँ पे मैं ये दो तो था ही, यहाँ पे मैं तीन कर देता हूँ। अब इसका मान निकालेंगे, चार तीय 12 माइनस में दो दूनी चार, कितना रिजल्ट आया, आठ आया, 12 माइनस में चार आठ, नॉट इक्वल जीरो। तो यहाँ पे ए एक वर्ग अवयव है, आपको पता है दो गुणा दो की मैट्रिक्स लिए हमने, दो गुणा दो की मैट्रिक्स लिए, अवयव ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। यदि डिटर्मिनेंट का मान नॉट इक्वल जीरो हो तो यहाँ पे ए को क्या कहेंगे, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, व्युत्क्रमणीय अवयव कहेंगे। इतनी बात समझ में आई क्या, व्युत्क्रमणीय अवयव किसे कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉट इक्वल जीरो यानी उसका मान जीरो नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, व्युत्क्रमणीय अवयव निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो आपको चेक करना पड़ेगा किसका मान जीरो नहीं है, जिसका मान जीरो नहीं है वही व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। नेक्स्ट देखो, अव्युत्क्रमणीय सिंगुलर मैट्रिक्स, एक वर्ग अवयव ए अव्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है यदि सारणिक का मान जीरो हो। जैसे आपने कोई डिटर्मिनेंट ले लिया पांच तीन, पांच तीन और एक पंद्रह, एक पंद्रह, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा इसका, पहले निकालना पड़ेगा सारणिक, ये आपके पास में दो गुणा दो का है वर्ग अवयव है, सारणिक लिखोगे तो ये बन जाएगा पाँच पंद्रह एक तीन, रिजल्ट निकालोगे पाँच तीन पंद्रह माइनस में पंद्रह बराबर रिजल्ट क्या आएगा, जीरो, जीरो आ गया। इसका मतलब ये एक अव्युत्क्रमणीय अवयव है, अव्युत्क्रमणीय अवयव है ए, यानी इसका मान तो जीरो बैठ गया, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, पंद्रह माइनस में पंद्रह जीरो आता है। यहाँ तक बात समझ में आई क्या, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखो, वर्ग मैट्रिक्स की सहखंड अवयव, अब मैं बोल रहा था एडजॉइंट कैसे प्राप्त करेंगे वो यहाँ पे सीखेंगे, एडजॉइंट कैसे प्राप्त करेंगे वो इस जगह सीखेंगे। एडजॉइंट शॉर्ट फॉर्म में इसको एडीजे लिखा जाता है, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स की सहखंडज अवयव है। जैसे मैं कोई मैट्रिक्स लेता हूँ ए ले लिया, उसका अपन सहखंड प्राप्त करेंगे, दो तीन पाँच चार, एक वर्ग मैट्रिक्स ले लिया दो गुना दो का, हमें एडजॉइंट प्राप्त करना है, सहखंडज प्राप्त करना है। तो सहखंड, अब देखो सारे एलिमेंट के सहखंड प्राप्त करेंगे, इसको कैपिटल ए, सहखंड को कैपिटल ए से लिखा जाता है, ए वन वन बराबर दो का सहखंड, दो का सहखंड कैसे प्राप्त करेंगे, पहले भी बताया गया है ये, माइनस वन की घात एक प्लस एक, माइनस वन की घात एक प्लस एक, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे क्या उठाएंगे यहाँ पे चार, तो कितना आ जाएगा माइनस एक की घात दो, सम संख्या होगी तो प्लस में आ जाएगा यानी चार आएगा। ए वन टू बराबर, वन टू पे क्या है तीन है, तीन का सहखंड, सहखंड कैसे प्राप्त होगा, माइनस वन की घात कितनी है यहाँ पे एक कोमा दो है, तो एक प्लस दो गुणा में एक कोमा दो में तीन आता है, इसको छोड़ेंगे बचिया क्या पाँच, तो माइनस एक की घात तीन यानी विषम संख्या आ गई इसलिए माइनस आएगा, माइनस का पाँच आ गया। ए टू वन, ए टू वन यानी पाँच है, पाँच का सहखंड बराबर माइनस वन की घात दो प्लस एक गुणा में इसको छोड़ेंगे है क्या तीन, तो माइनस एक की घात तीन, तो माइनस तीन आ जाएगा। ए टू टू बराबर, ए टू टू बराबर ए टू टू पे एलिमेंट है चार, चार का सहखंड, चार का सहखंड कौन सा हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे दो है, तो माइनस एक की घात दो प्लस दो गुणा में दो, दो प्लस दो चार, चार घात आ गई सम आ गया,
इसका मतलब धनात्मक रहेगा, प्लस का दो आगे। अब लिखता हूं मैं यहां से एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए बराबर क्या रिजल्ट होगा, सीधा डायरेक्ट कर दूं क्या, इसको चेंज करना होता है ना, ठीक है। हाँ मैं लिखता हूँ ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू का ट्रांसपोज एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए वन वन। ए वन वन पे क्या बैठा है, चार बैठा है। ए वन टू पे माइनस के पांच बैठा है, टू वन पे माइनस तीन बैठा है, टू टू पे दो बैठा है। तो ये बन जाएगा, इसका ट्रांसपोज और करना है, क्या करना है ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए प्राप्त हो जाएगा चार कोमा माइनस के पांच माइनस के तीन कोमा दो, ये रिजल्ट प्राप्त होगा। इससे इसका कंपेरिजन कर दो, क्या बन रहा है, इससे इसका कंपेरिजन करो। देखो मुख्य विकिरण के एलिमेंट चेंज होंगे, मुख्य विकिरण का यहाँ पे दो था, यहाँ पे चार था, तो चेंज हो गया, चार दो की जगह दो चार की जगह, ठीक है। पश्च विकिरण के चिन्ह चेंज होंगे, दोनों ही धनात्मक थे, दोनों ऋणात्मक आ गए। ये है दो गुणा दो का सहखंड ज्ञात करने का तरीका, तीन गुणा तीन का यही है, लेकिन दो गुणा दो का अब इजी हो जाएगा, इतना निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। और डायरेक्ट किस प्रकार से, कोई भी आपको मैट्रिक्स दे दे तो मुख्य विकिरण के एलिमेंट को चेंज कर दो, जो वन वन की जगह है वो टू टू की जगह आ जाएगा, जो टू टू की जगह है वो वन वन की जगह आ गया। देख लो यहाँ से दो चार था, हमने चार दो लिख दिया, और जो पश्च विकिरण है उसके चिन्ह चेंज कर दो, अगर दोनों धनात्मक है तो ऋणात्मक कर दो, अगर दोनों ऋणात्मक है तो धनात्मक कर दो, एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो एक ऋणात्मक एक धनात्मक कर दो, यानी विपरीत करना है, उल्टा करना है, बस ये हमारे पास में एडजॉइंट प्राप्त करना है। इसी प्रकार से तीन गुणा तीन का रहेगा, जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ में वहां पे सॉल्यूशन भी हो जाएगा। तो ये है वर्ग मैट्रिक्स की सहखंड अवयव ज्ञात करना, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखो क्या दे रखा है आपको, अवयव का व्युत्क्रम इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। माना कि ए कोटि एन का एक वर्ग अवयव है, यदि कोटि एन का एक वर्ग अवयव बी इस प्रकार हो कि ए बी बराबर बी ए इज इक्वल टू आई एन है, ये क्या है आई एन, यहां से आई है, ये क्या हो जाएगा आई आई एन है, तब बी अव्यय आई बी अव्यय ए का प्रतिलोम या व्युत्क्रम अव्यय कहलाता है, तथा इसे ए इनवर्स से प्रकट करते हैं। समीकरण एक से स्पष्ट है कि यदि ए का प्रतिलोम बी है तो बी का प्रतिलोम ए होगा, और इस प्रकार से ए के प्रतिलोम को बी और बी का प्रतिलोम ए। जैसे इसने बोला कि कोई दो कोई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर आपके पास में इकाई मैट्रिक्स आ जाए तो ये एक दूसरे के प्रतिलोम मैट्रिक्स कहलाते हैं। ए का प्रतिलोम बी और बी का प्रतिलोम ए, बी का प्रतिलोम ए, ये प्राप्त होगा। इसे क्या कहते हैं, प्रतिलोम मैट्रिक्स कहते हैं। प्रतिलोम मैट्रिक्स को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है एक ही घात माइनस एक से प्रकट करते हैं। अब मैट्रिक्स ज्ञात, कोई भी मैट्रिक्स है उसका प्रतिलोम लिखते कैसे हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए अपॉन में ए का मापांक, और ए का मापांक नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, यह कंडीशन होनी चाहिए। ए इनवर्स तभी संभव है जब इसके सारणी का मान जीरो नहीं होता, किसी भी सारणी का मान जीरो है
इसका मतलब वहां से उसका एडजॉइंट निकलना संभव नहीं है, उसका इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, उसका इन्वर्स निकलना संभव नहीं है, पर्टलो मैट्रिक्स निकलना संभव नहीं है। ए इन्वर्स वहां से फाइंड नहीं होगा जब जीरो देगा, क्योंकि नीचे जीरो आ गया इसका मतलब ये अपरिभाषित हो गया। इतनी बात समझ में आई? तो ये आपको याद जरूर रखना है कि इसमें ये बात दोहराई जाती है। नेक्स्ट पे देखो, यदि अव्यय ए 1, 3, 2, 4 हो तो ए का सहखंड अव्यय एडजॉइंट हमें निकालना है। अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था किस प्रकार से करना है। मुख्य विकिरण के एलिमेंट को चेंज करना है और पश्च विकिरण के एलिमेंट का चिन्ह चेंज करना है। तो मैं यहाँ से अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ भाई। कैसे सर जी, बताइए कैसे लिख सकते हैं आप पहले का सॉल्यूशन? तो मैं लिखूँगा ए हमें दे रखा है 1, 3, 2, 4 और हमें प्राप्त क्या करना है, एडजॉइंट ए प्राप्त करना है, तो मुख्य विकिरण के एलिमेंट चिन्ह चेंज कर देंगे। मुख्य एलिमेंट है मुख्य विकिरण के, उनको ही चेंज करना है और इनके चिन्ह चेंज करने हैं। सीधा सा काम हो गया बस, अन्यथा आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कहाँ पे गया वो, ये रहा। आप इसके तरीके से भी कर सकते हैं पूरा डिटेल से, अगर आप डिटेल सीख गए हैं तो फिर कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। यहाँ पे आ रहे थे, अब देखो इतनी बात आ गई, एडजॉइंट आ गया हमारे पास में डायरेक्ट। अब हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें सारणिक का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? सारणिक का मान। इसको सारणिक में लिखेंगे तो ये बनेगा 1, 3, 2, 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 4, 3 × 2 = 6 मान आएगा -2 नॉट इक्वल 0 है। इसका मतलब ए इनवर्स यहाँ पे संभव है, ए इनवर्स यहाँ पे संभव है। देखो नेक्स्ट निकालना क्या, ए इनवर्स निकालना है। तो पहले अपन डिटरमिनेंट का मान तो निकाल लिया हमने, निकालने की आवश्यकता है नहीं, डायरेक्ट ये लिखें ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन में मापांक ए और मापांक नॉट इक्वल 0, प्रत्येक कंडीशन में लिखना है ध्यान रखना। तो ये बन जाएगा, वैसे सारणिक है मापांक, ऐसे पढ़ देते हैं मापांक, एक्चुअल में मापांक नहीं है, सारणिक है, सारणिक का चिन्ह है, सारणिक इस पे ये मत लगाओ, आप डायरेक्ट लिखो इसको, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो ए इनवर्स, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट का मान कितना है, एडजॉइंट का भी निकाला था, मुख्य विकिरण को चेंज कर दिया था आपने, तो ये आया था 4 − 3 − 2 = 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ए का मान −2 क्या आ जाएगा, ए इनवर्स मैट्रिक्स का प्रतिलोम आ जाएगा, सभी में 2 का भाग देना है तो ये आ जाएगा 4 − −2 − 2 − −2 − 3 − −2 और ये आ जाएगा 1 − 2 2 के पाड़े से काट दो, कटेगा तो −2 माइनस से माइनस कटेगा 3/2 माइनस से माइनस कटेगा 2 से 2 कटेगा 1 और ये आ जाएगा −1/2 ये आएगा आपके पास ए इनवर्स कितना आएगा जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। चेक भी कर लेते हैं कहीं पे कोई गलती तो नहीं है। ए इनवर्स माइनस का 2 = 1 / 3/2 नहीं, ये कैसा मजाक हो गया, 3/2 कैसे कर दिया, ए इनवर्स माइनस का 2 3/2 1 − 1/2 सही है।
हमें ए इनवर्स निकालना था, हमारा एकदम राइट आया। सबसे पहले हमने क्या निकाला, उसका एडजॉइंट निकाला, फिर उसका डिटरमिनेंट का मान निकाला, फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दिया, कैलकुलेशन कर दिया, हल हो गया। ये तो है नॉर्मल्स। दो नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, दो गुणा दो की मैट्रिक्स का प्रतिलोम मैट्रिक्स याद करना। लेकिन लगभग क्वेश्चन बनता है तीन गुणा तीन से, वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और उस पर टाइम भी अच्छा आपको लगा के सीखना पड़ेगा उसको, ऐसे काम चलने वाला है नहीं। इसमें यह सिद्ध करना है, वही हमें हमारे पास में मैट्रिक्स दे दिया, चलो देखते हैं हल क्या होता है इसका। हमें निकालना है ए का गुणा एडजॉइंट के साथ में और एडजॉइंट का गुणा ए के साथ में। तो देखो एडजॉइंट हमारे पास में क्या आया था, एडजॉइंट ए हमारे पास में आया था 4 - 3 - 2 - 1। इसका मल्टीप्लाई किसके साथ में करना है, ए डॉट एडजॉइंट ए बराबर, ये हमें दे रखा है 1, 3, 2, 4 और एडजॉइंट का मान कितना आएगा 4 - 3 - 2 - 1। तो ये बनेगा ए डॉट एडजॉइंट ए बराबर, गुणा कर दो आपस में, मैट्रिक्स का गुणा सभी को करना आता ही है, 4 - 4 - 3 - 6 - 3 + 3 - 8 - 8 - 4 - 4। तो ये बन जाएगा आपके पास -2 - 0 - 0, फिर -2 बच गया। अब क्या करते हैं, इससे बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लोगे तो पूरी मैट्रिक्स में से ये -2 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -2 कॉमन आ रहा है। इधर लिखते हैं, इसको थोड़ा छोटा भी कर देते हैं, एक मिनट रुकना। सभी को दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो ठीक है। अब देखो मैं इसको लिखता हूं, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू -2 बाहर ले लिया, ये बन गया 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 0 - 0 - 1। अरे इसको लिख दिया मैंने -2 और ये है I2 हो गया, 2 × 2 की इकाई मैट्रिक्स है। ये देखो भाई कितना बनता है, एडजॉइंट गुणा ये करके देख लेते हैं, एडजॉइंट ए डॉट ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट कहाँ पे है, एडजॉइंट है 4 - 3 - 2 - 1 और 1 क्या है, ए है हमारे पास में 1, 3, 2, 4। तो ये बन जाएगा हमारे पास में एडजॉइंट ए डॉट ए इज इक्वल टू 4 - 6, ये बन जाएगा 4 * 12 + 12 - 2 + 2 - 6 + 4। तो रिजल्ट आपके पास में कितना आएगा, -2 - 0 - 0 - 2। फिर आपसे आपको यहाँ से फिर -2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा एडजॉइंट ए डॉट ए इज इक्वल टू -2 कॉमन ले लिया 1 - 0 - 0 - 1, तो ये बन गया -2 - I2 - I2। और ये क्या बराबर है क्या इसके, बताओ। तो यहाँ से अपन मान निकालेंगे सारणी ए का, कितना आ रहा है 4 - 6 यानी -2 आ रहा है, एकदम बिल्कुल राइट है। तो यहाँ से लिखेंगे ए डॉट
एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मापांक नहीं बोल सकते, सारणिक बोलेंगे, सारणिक आई टू बराबर एडजॉइंट ए डॉट ए। ठीक, ये प्रूव करना था हमारे पास, ये निकल के आ गया लास्ट में, यानी तीनों रिजल्ट बराबर है, चेक कर सकते हैं, तीनों ही रिजल्ट बराबर हैं, ये वाला रिजल्ट। और यहाँ से मैं इसको अगर और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, क्या दिया गया है आई टू, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस का दो आई। ठीक है, तो तीनों कंडीशन से ये बात सेटिस्फाई हो रही है, यही हमसे पूछा था कि सिद्ध कीजिए बात कैसे होती है बराबर, तो हमने सिद्ध करके दिखा दिया अच्छे से। सबसे पहले हमने क्या निकाला था, इसका एडजॉइंट निकाला था, एडजॉइंट निकालने के बाद में ए का ए से मल्टीप्लाई करके इस कैलकुलेशन को हमने पूरा किया है अच्छे से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे विद्यार्थी, मैं साइड में हो जाता हूँ, चलते हैं नेक्स्ट पे। ये क्या दे रखा है देखो, ये हमें दे रखा है यदि अव्यय ए 1, 3, 2, 4 हो तो सिद्ध कीजिए कि इसके ट्रांसपोज का इनवर्स और इसके इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर होता है। तो देखो हल अपन क्या करते हैं, एडजॉइंट निकाल लेते हैं, एडजॉइंट अभी लिखा था इसका, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वही क्वेश्चन चल रहा है बारी बारी से, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ए ना, तो लिखो 4, 1, -2, -3 एडजॉइंट आ गया। हमें निकालना ए इनवर्स, ए इनवर्स कैसे आएगा, एडजॉइंट ए अपॉन में सारणिक ए, तो एडजॉइंट का मान, और सारणिक का मान अभी निकाला था हमने, सारणिक का मान कितना चल रहा है, ये चल रहा है 4 × 4 - 6 = -2, तो ये बनेगा हमारे पास में 1/-2। एडजॉइंट क्या है, 4 - 3 - 2 = 1, तो ये बन जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू, भाग देंगे इस पर तो ये आ जाएगा चार में दो का भाग देंगे तो दो बार जाएगा, माइनस से माइनस कर देगा, या यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो माइनस लग जाएगा, ये माइनस से माइनस कटेगा 3/2, ये कितना है, माइनस से माइनस कटेगा 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आएगा, और ये आएगा माइनस का 1/2 किसका मान आ गया, ए इनवर्स का मान आ गया। ए इनवर्स का मान आने के बाद इसका हमें क्या करना पड़ेगा, परिवर्त मैट्रिक्स करना पड़ेगा। ठीक, मैं चेक कर लेता हूँ इसका, इतने में आप नोट कर सकते हैं अच्छे से। देखो भाई कैसे निकलेगा ये आगे, इनवर्स का ट्रांसपोज ये हमारे पास में है -2, 3/2, 1 - 1/2, और इसका हमें करना है ट्रांसपोज करेंगे क्या प्राप्त होगा, देखो ये प्राप्त हो जाएगा -2, 3/2, 1 - 1/2, ये रिजल्ट आएगा। ठीक, ये एक साइड अलग हुई है अभी तक, दूसरी साइड और अलग करनी पड़ेगी, पहले मैं इसका ट्रांसपोज कर लेता हूँ, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा आपके पास 1, 3, 2, 4 फिर हमें क्या करना है,
इन्वर्स करना है। तो इन्वर्स करने के लिए मैंने इसको बी के बराबर मान लिया, ए ट्रांसपोज को बी के बराबर मान लिया। एडजॉइंट बी क्या आएगा बताओ? एडजॉइंट बी आ जाएगा 4, -3, -2। हमें निकालना है बी इनवर्स, बी इनवर्स निकालना है। चलो बी इनवर्स निकालेंगे, एडजॉइंट बी अपन में बी का मापांक, एडजॉइंट तो ये आ रहा हमारे पास में, किंतु परंतु नहीं है इसमें, तो 4, -2, -3, 1। लेकिन इसका मान कहाँ से आएगा? इसका मान यहाँ से निकाल लूँ, कितना आएगा अभी सारणिक बी का मान? ये है 4, -2, तो ये आ जाएगा -2। भाग देंगे बी इनवर्स बराबर 2 का भाग देंगे, -2 है ध्यान रखना, तो -2 और 2 से 2 कट जाएगा 1, 3/2 और ये है -1/2। बात समझ में आई क्या? बी इनवर्स, और बी इनवर्स को हमने क्या बोला था बताओ? अभी आपने बोला था ए ट्रांसपोज है बी, और इसका इनवर्स, इसका ठीक है भाई, ठीक है, बी बराबर क्या था? बी बराबर हमारे पास में ए का ट्रांसपोज था, इनवर्स किया है तो इनवर्स और हो गया। इज दैट क्लियर? आपको क्लियर हुआ क्या? कैसे निकालना है इसका इनवर्स, इसका एडजॉइंट, इसका ट्रांसपोज? तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं क्लासें कैसी चल रही हैं। आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। इनवर्स का आपको थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन बताया है इनवर्स मैट्रिक्स का, कि किस प्रकार से इनवर्स मैट्रिक्स होती है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ही घात -1 आएगा। ठीक है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें भी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलेगा आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।